इस समय आप लोग न्यूज़पेपर देख रहे होंगे या फिर आप लोग सोशल मीडिया पर कहीं देख रहे होंगे तो अफगानिस्तान चर्चा में बना हुआ है। और आप सभी मालूम होना चाहिए कि 20 साल बाद तालिबान ने अफगानिस्तान पर फिर से कब्जा कर लिया है। इसके पहले आप देखेंगे तो 2001 में अमेरिकी सेना ने तालिबान को सत्ता से बेदखल किया था। और आप देखेंगे कि अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति साहब थे अशरफ गनी साहब, ये देश छोड़कर चले गए हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग आपके तालिबान के बारे में बात कर लेंगे कि आखिर ये तालिबान है कौन, ये संगठन है क्या, कब इसकी स्थापना की और अमेरिका का क्या हस्तक्षेप रहा है यहाँ, उस पर भी हम लोग विस्तार से देख लेंगे। और फिर आप देख रहे हैं कि भारत की चिंता क्या है, आखिर भारत क्यों इतना चिंता में है, तो इस पर भी हम लोग विस्तार से बात कर लेंगे, एक एक करके सभी पॉइंट देख लेंगे। और याद रखिए इस तरह के टॉपिक से आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते रहते हैं। और वैसे भी मैं कहता हूं कि आप लोग अगर किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तब भी तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि एक देश में आप देखिए एक तरह से तख्ता पलट कर दिया गया। और इसीलिए हमेशा कहता भी हूं कि भी कभी भी किसी भी कट्टरवादी सोच को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, वो नुकसानदायक होती है एक तरह से। आप देखिए कि एक तरह से आप समझ सकते हैं कि एक गुट ने, एक संगठन ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया, वहां के राष्ट्रपति को भागना पड़ रहा है, वहां की जनता का क्या हाल है। मैं न्यूज में अभी कुछ समय पहले देख रहा था कि लोग घर में बंद हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। और एक बात और बताऊं आपको कि तालिबानों के नियम कानून ही अलग है, एक तरह से पुराने जमाने के नियम कानून बनाए हुए हैं कि यहाँ ना तो टीवी चल सकती है, म्यूजिक भी, सिनेमा, इन सब पर पाबंदी लगा रखते हैं। और ये फरमान जारी करते हैं कि पुरुषों को दाढ़ी रखनी होगी और महिलाओं को बुरका पहनना होगा, बच्चियां स्कूल नहीं जा सकती हैं, पढ़ नहीं सकती हैं, घर से निकलना होगा तो अब आप देखिए उन्हें किसी की इजाजत लेनी होगी। और कड़ी, आप देखिए अगर इन सभी नियम का पालन नहीं करता है तो बहुत कड़ी सजा भी रखी गई है, तो आप समझ सकते हैं क्या प्रॉब्लम बनी हुई है। एक बार आप लोग क्या करिए, इसे अफगानिस्तान को देख लीजिए, कुछ पॉइंट बता देता हूँ अफगानिस्तान के बारे में, हो सकता है कि आपसे अगर क्वेश्चन आए तो आराम से आप लोग इसका भी आंसर दे पाएंगे। तो देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत, और यहां से आप जाएंगे तो यहां आपको देखने को मिलेगा अफगानिस्तान। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जो हमारा पीओके वाला हिस्सा है यानी कि पाकिस्तान के कब्जे में है, जो यहाँ इससे हमारी सीमा लगती है अफगानिस्तान से, ठीक है। और बताएं अगर हम लोग तो अफगानिस्तान से आप देखेंगे पाकिस्तान की भी सीमा लगती है, यहाँ चाइना की सीमा भी लगती है, तजाकिस्तान की भी सीमा लगती है, कजाकिस्तान की भी सीमा लगती है, तुर्कमेनिस्तान की सीमा लगती है और ईरान की सीमा भी अफगानिस्तान से लगती है। इसकी अगर राजधानी की बात करें तो आप सभी को मालूम है कि काबुल इसकी राजधानी है। और यहाँ अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करें, किसकी क्षेत्रफल की, तो आप देखेंगे कि इसका अफगानिस्तान का क्षेत्रफल कितना है, 6,52,860 किलोमीटर में फैला हुआ है। और 2019 की जनगणना के अनुसार अगर एक तरह से हम बात करें तो यहाँ आप देखेंगे लगभग 4 करोड़ जनसंख्या निवास करती है, समझ गए आप लोग। चलिए अब एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, तालिबान के बारे में जान लेते हैं। तो 2020 में, 2021 में अफगानिस्तान पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है किसने, तालिबान ने। और आप देखिए यहाँ की सेना ने एक तरह से हथियार डाल दिए हैं, यहाँ के जो पॉलिटिशियन थे वो देश छोड़कर भाग गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इतना शक्तिशाली संगठन हो चुका है कि देश की सेना एक तरह से हथियार डाल दे रही है। और आप समझ सकते हैं कि 20 साल अमेरिका के यहाँ रहने के बाद भी अमेरिका ने भी एक तरह से हार ही मान ली है और निकल गया था यहाँ से, वही हाल है। देखिए इसीलिए तो कहते हैं कि अमेरिका एक भरोसेमंद दोस्त नहीं है। एक समय आप सभी जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान की तरफ झुकाव रहता था, किसका, अमेरिका का, और हमारा झुकाव, हमारी तरफ किसका झुकाव था, रूस का। लेकिन परिस्थिति बदली, आज आप देख रहे हैं कि हमारी तरफ अमेरिका का झुकाव है
और रूस का झुकाव पाकिस्तान और चाइना की तरफ जा रहे हैं, यानी कि इन देशों के बारे में स्थायी दोस्ती तो कह ही नहीं सकते हैं। और अमेरिका हम लोगों से क्यों दोस्ती बनाए हुए है? इसलिए क्योंकि अगर चाइना को आगे बढ़ने से रोकना है तो भारत की मदद उसे लेनी होगी, भारत की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए आप सोचिए कि अपने आप में शक्तिशाली ही होना ही सबसे बड़ा अच्छा उपाय है एक तरह सुरक्षित रहने का। वरना आप सोचिए कि आप अपनी दैनिक जीवनचर्या में भी देखते होंगे कि अगर आप अच्छी पोजीशन में हैं तो आपके साथ हजारों लोग जुड़े होंगे, और अगर आपकी स्थिति बुरी है तो आपके अपने भी छोड़ के चले जाते हैं। तो यहां से कम एक सीख तो मिलती है आप लोगों को। आप देखेंगे तालिबान आंदोलन की अगर हम बात करें तो इसे आप लोग तालिबान या तालिबान के नाम से भी जाना जाता है, और यह एक सुन्नी इस्लामिक आधारवादी आंदोलन है जिसकी शुरुआत आप देखेंगे 1994 में दक्षिणी अफगानिस्तान में हुई थी। तालिबान पश्तो भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञानार्थी यानी कि छात्र, यानी कि ज्ञान से भरे हुए छात्र। आंदोलन को सिर्फ पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने ही मान्यता दी है, और यही देश आप देखेंगे इसकी मदद भी करते हैं। एक बात आप लोग सोचिए खुद कि सरकार के पास सभी संसाधन, जो भी योजनाएं चल रही हैं, जो भी काम चल रहे हैं, उससे पैसा मिलता होगा, लेकिन आप सोचिए कि एक संगठन है, कट्टरवादी संगठन है, उसके पास पैसा कहाँ से आता होगा? हथियार खरीदने के लिए, अपने दैनिक जीवनचर्या की जो जरूरतें हैं उन्हें भी पूरा करने के लिए। तो यही पड़ोसी देश इसकी मदद करते थे, आर्थिक मदद यही लोग करते थे। अगर हम लोग इसकी पृष्ठभूमि की बात करें, किसकी? तालिबान की। तो पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI ने मदरसों के अफगान छात्रों को भड़का कर 1990 के दशक में सोवियत सेनाओं के विरुद्ध तालिबान को जन्म दिया था, और इसे सऊदी अरब समेत कई खाड़ी देशों से पैसा भी मिलता था। और आप लोग, इसीलिए एक चिंता का कारण हमारा ये भी है कि आप सोचिए कि ISI की तरफ इसका झुकाव रहता है, एक तरह से दोस्ती है, तो आप समझिए कि और आतंकी घटनाएं हमारी सीमा पर बढ़ सकती हैं आने वाले समय में। तो 1990 के आसपास इसका जन्म होता है। एक तरह से तालिबान एक इस्लामिक कट्टरपंथी राजनीतिक आंदोलन है, और अफगानिस्तान को पाषाण युग में पहुंचाने के लिए तालिबान को ही जिम्मेदार माना जाता है, यानी कि पुराने समय में पहुंचाने के लिए। और आप देखते हैं कि पिछड़ा हुआ एक तरह से क्षेत्र है। 1994 के आसपास जब आपने देखा होगा कि तालिबान पहली बार अफगानिस्तान के पटल पर उभरा, तो उसने पाकिस्तान की सीमा से लगे पश्तूनों के इलाके में शांति सुरक्षा बहाल करने का वादा किया, और उसने सत्ता में आने पर शरिया कानून लागू करने की बात कही, और भ्रष्टाचार पर भी नकेल कसने का वादा भी किया था। और इसीलिए आप देखेंगे उस समय से इसकी जड़ें मजबूत होना शुरू कर दी। सितंबर 1995 में आप देखेंगे दक्षिणी पश्चिमी अफगानिस्तान से आगे बढ़ते हुए तालिबान ने ईरान की सीमा से लगे हैरात पर कब्जा कर लिया था, और एक साल बाद लड़ाकों ने तत्कालीन राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी को बेदखल कर काबुल पर कब्जा कर लिया था। ये आपकी 1995 की बात कर रहा हूँ। 1998 में आप देखेंगे अफगानिस्तान के 90% हिस्से पर तालिबान का नियंत्रण स्थापित हो गया था, और तालिबान ने आप देखेंगे कि कट्टरवादी इस्लामिक कानूनों को लागू किया था उस समय, और शुरुआत में अधिकांश तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान के मदरसों में पढ़ने के बाद इसका हिस्सा बने, और सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के अलावा पाकिस्तान इन तीनों देशों में शामिल था जिसने तालिबान शासन को मान्यता भी दी थी। और हमने याद रखी, हमने कभी इसे मान्यता ही नहीं दी, हमारी बात चलती थी अफगानिस्तान सरकार से, समझ रहे आप लोग? हम लोगों ने पहले इसे मान्यता ही नहीं दी, और इसके इससे बात ही नहीं की थी तालिबान से। और आप देखिए कि हमारी जो भी परियोजनाएं चल रही हैं वो हम अफगानिस्तान सरकार से मिलकर चला रहे थे, वहां हमारे जो भी रिश्ते थे वो अफगानिस्तान सरकार से थे। और आप सोचिए कि वो अफगानिस्तान सरकार को हटाकर खुद सत्ता में आ जाता है, तो हमारी परियोजनाओं का क्या होगा? हमने इतना सारा पैसा वहां लगा रखा, उसका क्या होगा? ये भी चिंता का कारण बना हुआ है।
अब बात आती है कि आप देखेंगे 2000 तक, सन 2001 तक यहाँ तालिबान का शासन रहता है अफगानिस्तान पर। फिर आपने सुना होगा कि 2001 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में आतंकी हमला होता है, और बाद में आपने देखा है कि तालिबान दुनिया की नज़रों में सामने आता है, और आप देखेंगे अफगानिस्तान में यहीं से अमेरिका की एंट्री होती है। और इसी दौरान आप देखेंगे 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और अमेरिकी सेना ने तालिबान को सत्ता से बेदखल कर दिया। और आपको बता दूं कि 2001 के पहले अमेरिका कहता था कि आतंकवादी कोई समूह होते ही नहीं है, वो मानता ही नहीं था। और कहते हैं ना कि जब कोई समस्या अपने आप पर खुद पर बीतती है, वो समस्या आती है तब मालूम चलता है कि अच्छा ये भी समस्या थी। और उसमें आप देखेंगे 2001 में जो न्यूयॉर्क में आतंकी हमला हुआ था उसमें तालिबान का कुछ एक तरह से हाथ माना जा रहा था, इसलिए आप देखेंगे कि अमेरिका ने तालिबान पर हमला कर दिया और तालिबान को अफगानिस्तान से बेदखल, सत्ता से बेदखल कर दिया। उसके बाद आप देखेंगे कि 2021 में फिर से तालिबान सत्ता में आ जाता है। हालांकि इस हमले के बावजूद तालिबान नेता मुल्ला उमर और अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को पकड़ा नहीं जा सका। दिसंबर 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से हामिद करजई को अफगानिस्तान का अंतरिम प्रशासक प्रमुख बनाया गया। फिर आपने देखा होगा कि 2004 में अफगानिस्तान का संविधान अस्तित्व में आया, जो आप देखते हैं ना कि हमारा संविधान 1949 में कुछ प्रावधानों के साथ लागू हो गया था, और पूरी तरह से आपने देखा होगा कि संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। एक तरह से आप संविधान को कह सकते हैं कि नियम कानून इस हिसाब से रहेंगे, एक लिखी हुई बुक्स है हमारे पास, समझ रहे, जिसमें आप देखते हैं कि हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, मौलिक कर्तव्य मिले हुए हैं, हमारी सरकार इस तरह से चलेगी। इस तरह का कब संविधान आता है? 2004 में अफगानिस्तान में। संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए अफगानिस्तान ने अक्टूबर 2004 में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुए अपने पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन किया, यानी कि लोकतंत्र आता है, लोगों की भागीदारी शुरू होती है। फिर आप देखेंगे 2005-06 के दौरान तालिबान और अलकायदा द्वारा संयुक्त रूप से किए गए आतंकी हमले में से अफगानिस्तान में शांति बहाली की प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न हो गया। उसके बाद आप देखेंगे सन 2009 में बराक ओबामा राष्ट्रपति बनने के बाद अफगानिस्तान में शांति बहाली की प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ करने के लिए अधिक संख्या में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की गई, और आप देखेंगे कुछ समय पहले ही अमेरिकी सैनिक यहां से हटे हुए, और हटने के बाद आप देखेंगे तालिबान आगे बढ़ता गया। इसलिए आप देख रहे हैं कि अमेरिका पर भी उंगली उठ रही है चारों तरफ से। मई 2011 में आप देखेंगे पाकिस्तान के इफ्टाबाद में 9/11 हमलों के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी सेनाओं द्वारा मार गिराया गया था, जो 2001 में आपका अमेरिका में आतंकी हमला हुआ था उसमें यही शामिल था, ओसामा बिन लादेन। तो 2011 में इसे मार गिराया गया, और जून 2011 में राष्ट्रपति ओबामा ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की सीमित संख्या में वापसी का रोडमैप प्रस्तुत किया, यानी कि यहाँ जो सैनिक थे उनकी वापसी का बात यहाँ से शुरू हो जाती है, कुछ सैनिकों को वो बुला भी लेते हैं। जून 2013 में आप देखेंगे अफगानिस्तान सेना ने पूरी तरीके से सुरक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं ले लिया, इससे पहले अमेरिकी सेना के पास था, अब अमेरिकी सेना केवल यहाँ सहयोगी के रूप में काम कर रही थी। और जनवरी 2017 में आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति साहब ने, उस समय के राष्ट्रपति, अभी तो आप देखेंगे जो बाइडन साहब हैं, तो इन्होंने बनने के बाद अफगान नीति के संदर्भ में प्रमुख फोकस अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी की बात कही थी, और उसे पूरा किसने किया? जो बाइडन साहब ने यहां से अपनी सेना हटा ली है। और एक तरह से आप देखिए कि जो पाबंदियां, एक तरह से डर था उन्हें तालिबान को, तो वो डर खत्म हो गया, वो आगे बढ़ते गए। और मैं उनका इंटरव्यू अभी देख रहा था कहीं, कि उन्होंने कहा कि मैंने सोचा नहीं था कि इतनी शांतिपूर्ण तरीके से, इतने आसानी से हमें पूरा, हम अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेंगे, सामने कोई था ही नहीं रोकने वाला। आप सोचिए कि राष्ट्रपति साहब खुद भाग जाते हैं वहां से अपने लोगों को छोड़कर, तो
तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति बनी हुई है। आप सोचिए कि भारत बहुत अच्छा देश है, बहुत शांति है, अफगानिस्तान से तुलना करके देखिए, हम जमीन आसमान का फर्क देखिएगा, हम काफी अच्छी स्थिति में हैं। और इसीलिए कहते हैं कभी भी इस तरह की कट्टरवादी सोच के कोई भी संगठन है उन्हें हवा मत दीजिएगा। इस तरह की नफरत फैलाने वाले या कट्टर सोच वाले रखने वाले खुद तो जलते ही है, साथ में जो आमने सामने खड़े रहते हैं वो उन्हें भी जला के राख कर देता है। तो आवाज उठाना मुझे लगता है कि सबका अधिकार है। और देश में समय समय पर अगर आंदोलन होते रहे, इन लोगों के खिलाफ कुछ काम होता रहे इस तरह की कट्टर सोच रखने वालों के, तो देश भी सुरक्षित रहेगा, यहाँ लोकतंत्र भी सुरक्षित रहेगा। अब बात आती है कि भारत की चिंताएं क्या है, भारत इतना टेंशन क्यों ले रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि भारत से इसकी सीमा भी लगती है, भू राजनीतिक रूप से अहम अफगानिस्तान में तालिबान के प्रसाद से वहां की नवनिर्वाचित सरकार को खतरा हो चुका है क्या, हट चुकी है, और भारत की कई विकास परियोजनाएं प्रभावित हो गई हैं। यानी कि हम जो यहाँ परियोजनाएं चला रहे थे, अब इनका क्या होगा, इनके भविष्य पर आप देखिए कि खतरा मंडरा क्या रहा है। अब हमें तालिबान से भी हो सकता है कि बात करनी होगी यहाँ। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे पश्चिम एशिया में अपनी पैठ बनाने में लगी भारत सरकार को बड़ा नुकसान होगा, और इसके साथ ही भारत पहले से ही अफगानिस्तान में अरबों डॉलर की लागत से कई बड़ी परियोजनाएं पूरी कर चुका है, और इनसे कुछ पर अभी भी काम चल रहा है। इन पर क्या होगा, इन पर भी आप देखेंगे प्रश्न चिन्ह लग गया है। भारत 116 सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर काम कर रहा है यहाँ, जिन्हें अफगानिस्तान के 31 प्रांतों में चलाया जा रहा है। इसमें आप देखेंगे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कृषि हो गया, सिंचाई हो गया, पेयजल हो गया, नवीकरणीय ऊर्जा, खेल अवसंरचना, प्रशासनिक अवरचना के क्षेत्र शामिल हैं। और इसमें आप देखेंगे भारत ने अब तक अफगानिस्तान को करीब 3 अरब डॉलर की मदद भी की हुई है, ये भी पानी में गए, और जिससे वहां संसद भवन, सड़कों और बांध आदि का निर्माण हुआ है, और इन सभी परियोजनाओं पर गंभीर संकट के बादल मंडरा चुके हैं। मैं चुके हैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर सत्ता पूरी तरह से इनके हाथ में लगभग आप देखिए आ चुकी है, क्योंकि जब सोचिए राष्ट्रपति भाग जाता है यहां से और राष्ट्रपति भवन तक पर भी तालिबान का कब्जा हो चुका है, तो आप क्या कह सकते हैं। ईरान में आपने देखा होगा कि एक हम लोगों ने चाबहार पोर्ट का विकास भी किया था अफगानिस्तान और बाकी देशों में कनेक्टिविटी रखने के लिए, तो इसमें भारत ने भारी निवेश किया हो, और ताकि अफगानिस्तान, मध्य एशिया, रूस और यूरोप के साथ देशों के साथ व्यापार और संबंधों को मजबूती दी जाए। और ऐसे में तालिबान सत्तासीन होता है तो भारत की यह परियोजना भी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि इससे अफगानिस्तान के रास्ते अन्य देशों में भारत की पहुंच बाधित होगी। भारत की चिंता ये भी है कि पाकिस्तान अपने यहाँ उत्पन्न हो रहे आतंक के लिए तालिबान और अफगानिस्तान को जिम्मेदार ठहरा सकता है। अब तो वो अपना एक तरह से आतंकी हमला करवाएगा और अपना हाथ एक तरह से पलड़ा भी झाड़ लेगा, कहेगा हमने नहीं करवाया, ये तालिबानों का काम था, ये अफगानिस्तान का काम था। तो ये हमारे लिए चिंता के कारण है। और देखिए अगर वो पूरी तरह से आप समझ रहे हैं कि सत्ता में आ चुके हैं, तो अब हमें हो सकता है कि तालिबान से भी संबंध बनाने की बात चले, क्योंकि इतना पैसा आप देखिए कि हम लोगों ने यहाँ खर्च किया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं वही कहानी है अफगानिस्तान की और तालिबान की। इस तरह के क्वेश्चंस आपकी प्रीलिम्स में भी कई बार आ गए हैं, और कई बार आप देखते हैं आपकी बहस होती रहती है लोगों में, तब भी आप लोग बेहतर तर्क दे पाएंगे, और मुख्य परीक्षा में भी आपके क्वेश्चंस इस तरह के आते रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ते हैं ना एक टॉपिक, तो उसी में आप लोग, चलिए तो इन पॉइंटों को याद रखिएगा।